आवाज भाई एक चीज पूछनी है, शादी कब करोगे आप? और विशाल ठीक है? हाँ, पहले इतने पैसे नहीं दिए मैंने, 500 रुपए दिए थे बोलने के, 500 रुपए का काम करते 700 रुपए भाई। ना मैंने अमेज़न से राख मंगाई। तू क्या करता रहता था, व्यूज नहीं आते भाई। तो मेरी टेंशन मतलब मैंने इतना कमा लिया है यूट्यूबर के लिए। अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि कंटेन ही कंटेन है। 34 मिलियन व्यूज आए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं हूं अभी लोधी गार्डन के पास में, और यहां पर जो है अरबाज ब्लॉग का आज मीटअप है, इसलिए यहां पर आज मैं आया हूं। और अरबाज ब्लॉग से मैं कई बार मिल चुका हूं और उनसे मेरी बातचीत भी होती रहती है, बट आज फिर से मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आज उन्होंने जो है मीटअप रखा था लोधी गार्डन के मेन एंट्री गेट पर, हमें मिलना है। तो सामने देखोगे तो सामने है लोधी गार्डन, वहाँ पर अभी हम चलेंगे और उनसे मिलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। और अरबाज ब्लॉग को जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हमारी फील्ड के वो सबसे समय आप देख सकते हो कि वो नंबर वन है इस समय चल रहे, क्योंकि उनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग अभी वो इस टाइम कर रहे हैं। तो अभी चलता हूँ, आपको भी उनसे मिलवाता हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मिलवाता हूँ। तो चलिए भाई अभी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अभी क्या सीन है, आए हैं या फिर अभी नहीं आए, क्योंकि 12 से जो है ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। तो भाई सामने देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से पूरी भीड़ है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ पर लोग मिलने आए हुए हैं अरबाज ब्लॉग से। यहाँ पर देख सकते हो ये सारे अरबाज ब्लॉग से मिलने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो अभी देखते हैं कब तक आते हैं, अभी तो आए हैं नहीं, तो जब आते मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो यहाँ देखोगे ना सारे लोग ही वही है, सब ब्लॉगर ही हैं सारे के सारे, जितने भी आप यहाँ पर देख सकते हो सब के सब। तो भाई फाइनली देख सकते हो अरबाज ब्लॉग आ चुके हैं, और यहाँ पर देखो किस तरीके से लोगों ने पूरी भीड़ लगा रखी है। यहाँ देखोगे, यहाँ देखो किस तरीके से भाई पूरी गाड़ी में भीड़ लगी हुई है। यहाँ देखोगे, यहाँ देखो, तो यहाँ पर देखो भाई, ये देखो, तो भाई यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से लोगों ने शोर मचा दिया है। ओहो, तो भाई यहाँ पे तो रास्ता भी नहीं दे रहे हैं लोग निकलने के लिए। अरे भाई इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बाद भी, इतना बड़ा यूट्यूबर होने के बाद भाई के अंदर कोई भी है मिलने के लिए आए हो? एग्जैक्टली, ठीक है, आप कुछ उम्मीदें से आए हो? एग्जैक्टली, मैं कुछ आपसे ऐसी बात करूंगा कि शायद ये जो आपका दिन है ना वो जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन होने वाला। या तो आप रिकॉर्ड कर लो या फिर आप समझ लो, दोनों करेंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका फोकस रिकॉर्ड पे रहेगा, कुछ नहीं भाई एक दिन आ जाएगा, इसमें आप 5,000 व्यूज ले लोगे, 10,000 ले लोगे, लेकिन आप चाहोगे पर वीडियो पर व्यूज आए तो उसके लिए ना आपको कुछ सीखना पड़ेगा। जी जी भाई, मैं देखो तुम्हारी लाइन से टेक्निकल लाइन से तो नहीं हूँ, ये टिप्स देना मेरा काम नहीं है, ये काम है जो आप लोगों से पैसा अन करते हैं, कोर्स बेच कर हाँ। करते हैं, वो मेरा काम नहीं है नहीं। मैं अपनी लाइफ में कभी भी मुझसे मिलने के लिए आप लोगों से कभी पैसे नहीं लूंगा। एक बंदे ने कमेंट की थी कि अरबाज भाई क्या चार्ज है भाई, मैं कभी जिंदगी में नहीं लूंगा। वो जो हो गया उसमें मेरी इंटेंशन मुझे पता है, इंटेंशन नहीं थी उसमें, ठीक है। तो अभी मैं हम कुछ लोग कुछ बात करेंगे आपसे, उससे पहले और ये भाई पानी पिलाओ अरबाज भाई, पानी में लेकर आया हूँ, आप लोगों के लिए भी लेकर आया हूँ, माशाल्लाह। अरबाज क्या बात है अरबाज भाई की, मतलब अरबाज अपने फैंस के लिए पानी भी लेकर आए हैं चारों तरफ। यार थोड़ा जी अरबाज भाई, जी बोलिए भाई, इसे हटा यार, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो हमारे रेवेन्यू जो पहला था वो आज नहीं है। तो आपने एक टूर कर लिया, मान लो घर वालों से 70,000 में ले लिया, वो आउटपुट नहीं मिल पाया, आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे आप? आपने एक लेवल लगा लिया, आपने अपने ऑडियंस का टेस्ट मार दिया विदेश वाला, अब वो भी नहीं चली, दूसरे टूर के लिए पैसे नहीं है ना, आप इधर के रहे ना उधर के रहे, लोग समझने नहीं चाहते। मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं शो करने का, लेकिन वो वहाँ भी व्यूज़ नहीं लगा पा रहे। मुझे फील होता है कि वो जबरदस्ती एक टूर कर सकते हैं, दो टूर कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सही बात, जब तक आप यहाँ के कंटेंट पे व्यूज़ नहीं लगाओगे ना भाई, आप नहीं कर पाओगे। अब सवाल ये है कि यूट्यूब पर फेलियर कौन है? फेलियर वो है जो इंसान अपना फील्ड छोड़ देता है। अगर आपने फील्ड छोड़ दिया, फेलियर नाम की चीज़ है ही नहीं, फेलियर कब हो जाता है? आप यूट्यूब का फील्ड छोड़ देते हैं, और फील्ड कब छोड़ता देता है इंसान? जब आउटपुट नहीं मिलता या फिर पैसा नहीं है।
जैसे मान लीजिए आप 6 महीने सर्वाइव कर लोगे, 7 महीने कर लोगे, 8 महीने कर लोगे, 9 महीने आपके घर वाले परेशान होंगे, तो फिर क्या होगा, आप छोड़ दोगे। जितने आप लोग बैठे हो ना, मैं खड़े हो, मैं आप लोगों की आंखों में डाल के ये दावे से कह सकता हूँ कि आप यहाँ एक सपना लेकर आए। रियलिटी है, और वो सपना ऐसा है कि यार हमें भी एक लाइक यार अरबाज नहीं तो अरबाज से अच्छा बनना है या जो भी बनना है बनना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। ये जो लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, वो भी आपको नहीं बताएंगे, तो मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूँ। जो आज गुरुजी बेच रहे हैं, चार साल पहले मैं भी यहाँ आता था इस पार्क में, उम्मीद लेकर आता था, और वो उम्मीद में मुझे बहुत सारे लोग मिले। मुझे ऐसे भी लोग मिले कि यार आप पैसे लेकर ना हम सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, आपके लाइक बढ़ा देंगे, होता ना जब आप कुछ भी कर दे, लेकिन कुछ नहीं होता, नहीं होता रियलिटी, कुछ नहीं होता जी। लगभग 1 बज गया और आप गर्मी में यहाँ बैठे हो सिर्फ उम्मीद की वजह से। दो चीज़, एक तो मोहब्बत, एक उम्मीद, तीसरी कोई भी चीज़ नहीं है मेरे और आपके बीच, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है, हिडन चीज़ नहीं है जो ये साबित करती है कि मुझे कोई लालच है या आपको मुझे कोई लालच है। मैं जब किसी बंदे ने बताया कि यार मैं ना नेपाल बॉर्डर से आ रहा हूँ, मैं यार लिटरली क्राइड दैट टाइम कि यार ये बंदा नेपाल से आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कई बार मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, उसकी रीज़न होते हैं, मैं उनका चैनल चेक करता हूँ, मुझे लगता है स्टोरी में दम है। अगर आपकी स्टोरी में दम है ना भाई, मैं आपको घर आके आपको सपोर्ट करूँगा। और यहाँ पर कुछ लोग साक्षी हैं जिनको मैंने सपोर्ट भी किया है, बिल्कुल। और अगर उन्हें ये लगता है कि यार सब्सक्राइबर नंबर से, तो आप सब्सक्राइबर खुद ही चेक कर लो, सब्सक्राइबर डजंट मैटर, सिर्फ एक नंबर है जी। मैटर करती है आपकी स्टोरी जी। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं भाई, प्रमोशन कुछ नहीं करता, प्रमोशन होता ना तो अमिताभ बच्चन ने अपने लड़के को पूरी दुनिया से कहा देखो। सही बात कह रहे हैं, सलमान खान ने पूरी दुनिया से कहा मेरे बहनों को देखो, बिल्कुल सही बात, नहीं चला। लास्ट में आपकी स्टोरीज काम करती है, समझो, यहाँ कोई किसी की हेट नहीं है, लर्निंग बनो। अगर आप इंडिया में हो, आप तो आपको पता क्या माइंड में ये आ गया, यार मुझे इंडिया में व्यूज नहीं आएंगे यार, मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा। क्यों भाई, आपके दिमाग में क्यों है? अगर आप आउट ऑफ इंडिया यानी इंडिया में व्यूज नहीं लिखा पा रहे हो, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो भाई मैं यहाँ पर मिलियन व्यूज लेकर आया हूँ जी। तो मैंने विदेश का सफर किया है, सही बात। आज पता है कितना कॉम्पिटिशन है यहाँ, कोई किसी का नहीं है। यहाँ ये है कि स्पॉन्सर आती है वो रोक दी जाती है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगले महीने कोई एक प्लॉट बेचना पड़ेगा या बता रहा हूँ मैं भाई, मैं समझ रहा हूँ। और जो लोग मैं देख रहा हूँ अभी 10-12 दिन पहले, एक यूट्यूबर है आउट ऑफ इंडिया गए, वीडियो बनाते हैं, उनके एवरेज 5-6 हज़ार व्यूज आते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, उनका रेवेन्यू भी नहीं बनता होगा, उसे देख कर लोग बन रहे हैं। अब करना क्या है, ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि सोल्यूशन क्या है, अपने कंटेंट को ना बहुत सस्ता कर लो, जिससे आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हो। सोचो अगर आपका कंटेंट 5-10 या 20 या 30 रुपए में हो जाए जी, तो आप 1 साल भी खींच सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल भी खींच सकते हो। अभी मैंने अभी 5-6 दिन पहले एक लड़के का वीडियो देखा था, एक ऐसी कुछ हिस्टोरिकल बना रहा था, मुझे पसंद आया उसका वीडियो एग्जैक्टली, उसने अपनी उसको चेंज किया, उन्होंने बनाया ऐसे बनाया था, नाम ध्यान पे नहीं, उसने ऐसे बनाया कोई गांधी जी की जब डेथ हुई थी उसके ऊपर बनाया था, मतलब तो मुझे अच्छा लगा यार कि यार उसने, मतलब देखो फ्री वाला कंटेंट होना, दिल्ली अगर आप दिल्ली में हो ना तो 30-35 आपके कंटेंट आपके फ्री हो सकते हैं, जितने फ्री हो गए उससे क्या आप ज़्यादा फाइट कर पाओगे। सपोज करो एक ब्लॉग में आपके 1,000 रुपये या 2,000 रुपये लग रहे हैं, ये मान लिया आपने विदेश कर लिया, 70,000 रुपये लगे, अब आउटपुट तो नहीं है, बिल्कुल। जो आप में से कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया गए हैं? नहीं भाई, नहीं, आपने कहाँ का क्या है? केन्या, इथियोपिया, इजिप्ट। क्या क्या रिजल्ट रहा है रेवेन्यू का? एवरेज था, एवरेज था, मतलब इतने पैसे निकल गए कि आप एक कंट्री और कर सकते हो। तो अभी अभी आप दोबारा कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं? दोबारा कर रहा हूँ। दोबारा आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं? आउट ऑफ इंडिया, मतलब लेकिन अभी तो फिलहाल अभी यहाँ है, जाएंगे नहीं, मैं जाने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद, बस आपका वेट कर रहा था आपसे मीटअप। अरे भाई दिल से शुक्रिया। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको, अपने कंटेंट को बहुत सस्ता करो, आप क्रिएटिविटी, आप 4-5 चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। अभी ना मैंने अमेजोन से राख मंगाई, सोचता रहता हूँ 250 रुपये की राख, 250 रुपये में आपको कंटेंट मिल रहा है, फेसबुक को अच्छी तरीके से बना दिया ना आपने, तो मिलियंस में जाएगा वो। बताओ ना, एक कहीं जाओ गांव में, वहाँ चूल्हे वाली राख दिखाओगे, ये वो राख है जिसको हम यूज़ किया करते थे, आज यही अमेजोन 250 रुपये में बेच रहा है उसको। कंडे लेकर आओ, अमेजोन पर कंडे बिक रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मैं आपके ताजमहल की वीडियो क्यों देखूंगा, 1,000 वीडियो पड़ी हुई है जी, उसमें कुछ क्रिएटिव लगेगा अभी तो देखूंगा मैं, अलग हट गया होगा कुछ, वो स्टोरीज आपको क्रिएट करनी है।
और वो स्टोरी कोई बता नहीं सकता, कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता, लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो आप कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। तो अभी आपसे मिलेंगे 5-10 मिनट, आप ड्रिंक कर लें, पानी उनी आ गया है, और उसके बाद आगे एक बंदा था, कुछ हेटर भी होते हैं, लगा यार तू क्या करता रहता था, व्यूज नहीं आते भाई। तो मैंने भाई मेरी तो शादी हो गई नहीं, जो ससुर जी पैसे दे रहे होंगे मुझे, भाई मतलब मेरी टेंशन मतलब मैंने इतना कमा लिया है कि मैं 5-6 कंट्री और कर सकता हूँ, तू अपनी सोच। लेकिन मैं इसमें इसमें एक मैसेज है, मैसेज क्या है कि एक मैं अपने आप को एक ऐसा ट्रेवल मानता हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, लेकिन मैं कहीं भी व्यूज ला सकता हूँ। मैंने कभी लालच नहीं किया कि अगर मैं मुझे एक तरफा व्यूज चाहिए होते ना, मैं 2-3 कंट्री करता, सीरिया पहुँच जाता, अफगानिस्तान पहुँच जाता। यूट्यूबर के लिए अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि कंटेन ही कंटेन है, बट नहीं मैं नहीं गया, मैंने वो रास्ता चुना नहीं। मैं एक अगर कंट्री करता हूँ, मान लिया मैंने दुबई कर लिया या सऊदी अरब कर लिया, तो दूसरी कंट्री ऐसी करूँगा मैं जो दूसरी कंट्री होगी, जो बिल्कुल ऑडियंस चेंज ही जाएगी, यार यार ये क्या बना रहा है यार, कन्फ्यूज हो जाएगी। अभी मैंने 4-5 कंट्री अगर ध्यान से देखो तो वो करे हैं जहाँ पे व्यूज एग्जैक्टली जो आ गए वो मेरे फेस पे आ गए, वो बाकी आने भी नहीं चाहिए थे इतने इतने भी नहीं आने चाहिए थे। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार 20,000 व्यूज आए, ठीक है, लेकिन 60,000 और उस पर फेसबुक पर तो 34 मिलियन व्यूज आए लास्ट के, अगर 30 दिन में अगर देखोगे तो अलहमदुलिल्लाह कल 5 लाख फॉलोअर भी कंप्लीट हो गए इसी में ही, इसी हुए। अरवाज भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो फेयर खत्म हो चुका है। अरवाज भाई एक चीज पूछनी है, शादी कब करोगे आप? आप ट्रेवल कर पा घूमोगे? नहीं, लेडी ने पूछा था, आमना नाम, मैंने नहीं नहीं घूमूंगा उनके इशारों पे। भाई मिनिमम कितना टाइम लग जाएगा अभी? यार आप गाजीपुर से हो, आपने इतना बेहतरीन एक ब्लॉग छोड़ रखा है वहाँ का, बहुत शानदार, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ के लिए, आइए मेरे इनका, मैं जा रहा हूँ वहाँ से, फाइनली मैं जाऊँगा भूटान। अरे भूटान मत जाओ अभी, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, आप पहले सीखिए ना कि आगे नहीं। मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि आप चाह रहे हैं, अगर आप अपनी ऑडियंस को यहाँ कन्वेंस में नहीं लेंगे ना, नहीं तो यहाँ का वीडियो हो गया है थोड़ा, यहाँ का चल रहा है। गाजीपुर रहते हो आप? हाँ, गाजीपुर में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, आपने ब्लॉग नहीं बनाया, और मैं लिख के दे रहा हूँ आपको नहीं चलेगा, मैं जाऊँगा मिलियंस में जाएगा वो। हाँ, बताओ कौन है? बीर अब्दुल हमीद है। हाँ, जीप भी खड़ी है। 1965 में जो टैंक उड़ाए थे उन्होंने, वहाँ की पर्सनैलिटी है, ब्लॉग बनाया आपने उनका? नहीं, वहाँ पे नहीं बनाया। तो फिर कंटेंट क्रिएटर कहाँ हुए आप? मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ, अपने एरिया कोई कवर नहीं कर पाए तो फिर बाहर जाके क्या कवर करो? उनके नाम पे पुल भी बनाया, कभी भी चल रहा है। आउट ऑफ इंडिया वही प्रॉब्लम है, आप एक ऐसा लगाव लगा रहे हो अपने ऊपर, और विशाल ठीक है, एक ऐसा लगाव लगा रहे हो, आप बाहर मत जाओ भाई, पहले अगर यहाँ व्यूज नहीं आए ना तो कसम खा लो यहाँ की वीडियो व्यूज लेकर आने, वो कैसे लेकर आने वो आपकी रिसर्च स्टोरी कहती है। एक बार जब इंडिया कर रहा था ना कवर, तो मैं सारे ब्लॉग मेरे खत्म हो चुके थे, तो सारे ब्लॉग खत्म हो गए थे। मैं यार क्या करूँ, मुझे लखनऊ जाना था अगले दिन, तो उस समय मेरे पास बाइक नहीं होती थी, कार वगैरह नहीं थी, तो ट्रेन से जाना था, वो कैंसिल हो गया जाने का। बोले यार अब रात के 4 बज गए और सुबह ब्लॉग देना है, और मैं डेली ब्लॉग देता हूँ, अब ऐसे भी नहीं है कि एक लोकेशन का 2 बार दे दो, ऐसे भी नहीं है। मैंने सोचा था चिड़ियाघर में कुछ होता तो पहले कवर कर लिया होता मैंने, और चिड़ियाघर में ऐसा लोग क्यों देखेंगे यार, मैं ऐसे व्यूअर भी सोचता हूँ ना कि इसमें ऐसा क्या है, ये तो हर जगह होता है, चला भी था आपका वो वायरल हुआ। पढ़ा तो पता चला कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो गैंडा है वो है, और दुनिया की सबसे बड़ी गाय है, और एशिया का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर है वो ये। आप यकीन मानो मेरे एवरेज भी एवरेज भी जाते थे 12-13 हज़ार, उसमें मेरे दिन पहले दिन में 27,000 व्यूज है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप कंटेंट को छोड़ मत, जिस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं ना, जैसे वो कहावत थी ना कि इंग्लिश कमजोर है, नहीं भाई इसे फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है। भूटान वूटान मत जाओ आप, मैं लिख के देता हूँ, फ्राइडे का 1200 रुपये का वो आता है, परमिट बनता है भूटान का, अगर 10 दिन रहोगे 12,000 रुपये वो हो गए, आने जाने के खर्च हो गए। अगर नहीं पाया अपने दिमाग से लगा अपनी ऑडियंस को ऐसे बना लोगे, विदेश की देखेगी फिर क्या करोगे आप? यहाँ के चलेंगे अभी अभी आपको बहुत प्यार करती है पब्लिक, ऐसा नहीं है। अरे वो तो जो क्लिक करेगा उसे भी पता है, झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें न्यूज़ पे देखा कम से कम। अरवाज भाई बंदी कितनी है आपकी? यार।
लोग आ गए जो ट्रेवल ब्लॉगर होते हैं ना वो मीटअप से डरते हैं, ये पांच लोग नहीं जाते उनके मीटअप में। अच्छा बचा क्या होता है कि एक तो वो फेस वैल्यू नहीं बना पाते या कई बार वो सीधे होते हैं। एग्जैक्टली भीड़ वहाँ होती है जहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी एक फेस होता है, मैं ये बात मानता हूँ। तो ये कोई सक्सेस का पैरामीटर नहीं है, कल को आप बड़े हो जाओगे अच्छा काम करोगे, लेकिन अगर पांच लोग मिलने नहीं आएंगे तो इसमें आपका घाटा थोड़ी नहीं है। अगर आप मुझसे मिलने नहीं आते तो आप पर्सनली सोच के देखो इसमें मेरा अपना घाटा क्या है। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो वो जो मुझे पाना है YouTube की एक दुनिया पे वो मैं स्थान पा चुका हूँ, वो आपका लो से प्रॉफिट है। और रियल में आज कुछ मैं स्पेशली मिलने इसलिए आया था क्योंकि मैं उस पेन को समझता हूँ। चार साल पहले जो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, मुझे सबसे ज्यादा जो चीज खलती है ना वो ये खलती है कि आप में से 90% ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। और उसके रीजन ये है घर वाले रोज कहते होंगे अबे कुछ कर ले, और जब तक उनको आप सैलरी नहीं दोगे ना, ये कुदरत का नियम है, जब तक वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली वो भी ये चाहते हैं कि आपका बच्चा कम्फर्ट जोन में चला जाए, एक स्टेबल पोजिशन पर चला जाए। तो वो आपको करना है, अगर यहाँ आ रहे हो तो भाई अपना जो प्राइमरी वर्क है वो काम मत छोड़ो अपना, जो भी आप काम कर रहे हो ना, जैसे मान लो जो भी आप जॉब करते हो वो मत छोड़ो, क्योंकि वो लकब मत लगाओ कि आपने वो भी छोड़ा और यहाँ आ गया। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है ना, कई लाख क्रिएटर आते हैं कोई दो तीन कामयाब हो जाते हैं, वहाँ पर उनकी मेहनत है। अगर आप मुझे लोग फॉलो करते होंगे ना तो फिर कभी आपने मेहनत देखी है? व्यूज भी अच्छे अच्छे आते हैं, उसको मैंने फिर दोबारा शिफ्ट किया, दूसरा चैनल बनाया, ये इतना आसान है नहीं। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार मैं यहाँ कर सकता हूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था बट हुआ। रोज भाई एक क्वेश्चन है, मैं अभी मेरे कंटेंट जो है ना, मैंने 60 ब्लॉग्स बनाए थे। हां ठीक है, मेरे मिक्स्ड कंटेंट है, मैं लाइफस्टाइल और एयर से रिलेटेड और विजिटिंग प्लेस, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ 75,000 लॉन्ग वीडियो थी विजिटिंग प्लेस। हां अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मेरा सारे ब्लॉग जो बना रहा हूं उससे व्यूज नहीं आ रहे, तो मैं निश चेंज करूं ब्लॉगिंग में, किसी और निश पे लेके चलूं, जैसे फूड पे लेके चलूं कि मैं देखो आपके 70,000 व्यूज आए, हां एक वीडियो उससे सब्सक्राइबर भी आए होंगे, 500 सब्सक्राइबर भी उसी टेस्ट के आए होंगे, तो आपको उसी की टाइप की वीडियो डालनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से लोगों ने यहाँ शोर मचा रखा है, और यहाँ पर सामने देख सकते हो वहाँ है अरबाज ब्लॉग, और यहाँ पर इनका पूरा मीटअप हो रहा है, और बाकी तो मैंने आपको दिखाई दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई फाइनली अरबाज भाई से मिलना हो गया, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इस वजह से मैं मिल भी नहीं पाया। और कुछ बोलना चाहोगे मेरे बारे में? ये बहुत मेहनती लड़का आया, तो नया मोबाइल ले लिया ना यार, नहीं कराया भाई। अरे तो क्या हुआ, नया तो ले लिया, ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं सारी चीजों को फेस कर रहा हूँ। आप लोगों ने आपस में कोलैबोरेशन किया नहीं किया? करो आपस में यार। हाँ किया है किया है किया है। और अरबाज भाई से मैं बहुत पहले ही मिल चुका हूँ, और मैं इनसे इंस्टाग्राम पे बराबर बात करते रहता हूँ, और हमारी फील्ड का सबसे बड़ा और जो बढ़िया चैनल है ना वो अरबाज भाई का, क्योंकि सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता, मैटर करता है व्यूज लाना। इतने पैसे नहीं दिए मैंने, 500 रुपए दिए थे बोलने के, 500 रुपए का काम करते 700 रुपए भाई, वो दिखता है। तो भाई फाइनली मीटअप जो है लगभग पूरा हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा लोग भी आए थे यहाँ पर मिलने के लिए अरबाज ब्लॉग से, और यहाँ अरबाज ब्लॉग ने अच्छा खासा अरेंजमेंट भी कर रखा था, खाने का भी है, और तुम्हारा की जो है ड्रिंक्स वगैरह भी उन्होंने रखी थी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी। और वैसे तो मैं कई बार मिल चुका हूँ, और उनसे मेरी बराबर बात भी होती रहती है, और उनसे जो भी चीज़ें होती है मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। और तो यही था कि मिलने मैं इसलिए आया था कि मैं उनसे और कुछ जान सकूं, क्योंकि वो हमारी फील्ड का मुझे लगता है कि इस समय एक ऐसे वो ब्लॉगर हैं कि उनकी वीडियोस पे जो व्यूज़ आते हैं और जो उनकी स्टोरी है, यानी आपको हर ब्लॉग में जो है उनके कुछ ना कुछ जो है सीखने के लिए मिलता रहता है, तो इसीलिए मैं आया था। यानी जब भी आप अपनी किसी फील्ड के बड़े यूट्यूबर से या फिर जो भी आपकी फील्ड में जो सक्सेस बंदा कर चुका है उससे आप मिलते हो तो आप कुछ ना कुछ सीखते हो, तो उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया था उनसे मिलने के लिए, और काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी भी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।